बसा खास तौर के उत्ते लॉन्ग रूट के उत्ते चलदियां ने बसा की चेकिंग इन्होंने की जा रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजावड़िंग खुद आप इस वेले रात के दौरे के उत्ते निकले ने तो अंदर बसा के पहुँच के जायजा लिता जा रहा है क्योंकि बहुत सारिया बसा जिहड़ियां ने ओह बगैर परमिट के भी चलदियां ने तो उन्हां ही बसा नूं नकेल फसण दे लई इह खास तौर के उत्ते इस वेले अमरिंदर सिंह राजावड़िंग होणी जिहड़े ने ओह आप चैकिंग के उत्ते निकले ने तो यह तमाम जिहड़ियां बसा ने ये तुसीं देख सकते हो ये टूरिस्ट बसा ने पर की इन्हां दे परमिट टूरिस्ट लेते हुए ने तो अमरिंदर सिंह राजावड़िंग इत्थे आप तमिल चेकिंग कर रहे ने तुसीं वेलकम सो व्हाई यू आर कमिंग हियर आई एम गोइंग टू मनाली दैट्स गुड नो 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 कम ऑन आप बैठ के ट्रांसपोर्ट मंत्री सर आप कहां से आए हैं राजावड़िंग पड़े ने लगातार ही चेकिंग वगैरह कर रहे ने बसा ने प्राइवेट बसा ने तुसीं देख रहे हो अजे भी बस स्टैंड से आपको गलबत्ता कर रहे ने एक बार चेक कर दें आप की गलबत्त हो रही है तो देख रहे हो भी राजावड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री आप पैसेंजरों को पूछ रहे हैं कि कौन कितों बस चढ़िया है बस रात चुकी सी मीह रुकी सी कहा जा रहा है कि टूरिस्ट तरह पैसेंजर बस यूज किया जाता है तो वह एक वायलेशन है उमें नहीं किया जा सकता है तो हूँ एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे थले थले इधर थले जा पैसेंजर बैठे ने जेडे जेडे अंबाला तो चढ़े ने कुछ डायरेक्ट कुछ कुछ दिल्ली तो ने अमरिंदर सिंह राजावड़िंग वालों आप की जा रही है
लगातार एक्शन मोड दे विच ने जदों तों इन्हां ने विभाग संभालिया उदों ही कारवाइयां कर रहे ने। तो करनाल से चढ़े आप अंबाला से चढ़े, इस बस में टिकट कहाँ से लिया? मेरे ऑनलाइन बुकिंग। अच्छा ऑनलाइन, कहाँ की ऑनलाइन बुकिंग? मेरे साले ने कर दे गुआना से। अच्छा आप कहाँ से चढ़े साहब? आप साहब ये पानीपत से चढ़े, आप अंबाला से चढ़े, आप पानीपत से चढ़े, आप अमरिंदर सिंह राजा बड़े तुम देख सकते हो लगातार इन्होंने वालों छापेमारी की जा रही है, चैकिंग की जा रही है, कभी वक्त-वक्त बस स्टेशन के उत्ते बस स्टैंड के उत्ते जाके यह अचनचे चैकिंग करते हैं और हूँ रात वे निकले ने। एक बार समा जो है इन्होंने भी पूछना है कि टाइम की है, इसलिए टाइम की दस दो कि टाइम लगे 12 बज गए ने और पानीपत तो रात के 12 बजे का समय है जिथे बहुत सारे विभाग के अफसर सो रहे होंगे ने उत्थे ही अमरिंदर सिंह राजावरिंद की गल करिए चैकिंग के उत्ते उतरे हुए हैं जिहड़ा खास तौर के उत्ते रेवन्यू नूं एक वड्डा नुकसान हो रहा है और उत्थे ही गल करिए अमरिंदर सिंह राजावरिंद की तो जदों तो इन्होंने विभाग संभालिया कह रहे हैं कि रेवन्यू के विच भी वाधा होया 50 लाख का वाधा जिहड़ा हैगा वह पर डे का हो गया जिथे पहला बसिस के नुकसान होंदा सी रोडवेज में नुकसान होंदा सी तां अमरिंदर सिंह राजावरिंद उन्हां ने 50 लाख का वाधा जिहड़ा हैगा वह ट्रांसपोर्ट विभाग के लिया है। तो यही कारण है कि यह अचनचे चैकिंग हो रही है जिहड़ियां इस दे कारण ही इन्हां दे वल्लों यह कितना कितने सुधार पंजाब या बसों के दिन आपको अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया जाएगा। वैसे तो यहीं पर ही हम इंपाउंड करते हैं बस, पैसेंजर को अपने आप जाना पड़ता है, लेकिन आप कहीं क्योंकि रात का समय है कहीं किसी को मुश्किल ना आए इसलिए आपको जहाँ जाना है फाइनल डेस्टिनेशन पे बस छोड़ के रहें। तो हमारा टैक्स जो ये लोग नहीं भर रहे हैं वो हमने इनसे भरवाना है, तो इसलिए आपकी चेकिंग हो रही है। आगे से जब बैठो तो प्लीज़ इनको ज़रूर कहिएगा कि भैया आप हमें टैक्स तो भरा है कि नहीं भरा ये बता दीजिए। थैंक यू सो मच जी, सॉरी टू बॉदर यू पीपल। हाँ ये भी वायोलेशन पाई गई। हाँ जी तुम वायोलेशन और टैक्स वायोलेशन की है वो आदमी साहब देख रहे हैं, पर तुम देखा हो कि पानीपत वाला ये लोग पानीपत से करनाल से चढ़े, पीछे वो व्यक्ति पानीपत वो पानीपत से चढ़े, कुछ लोग अंबाला से चढ़े, कुछ लोग दिल्ली से। सो दैट मीन्स इट्स अ प्योरली वायोलेशन। ब्रिक साहब आम लोगों की गल करिए तो शायद सानू भी ये चीज़ नहीं पता होगी कि जब असं बस के चढ़ते हैं तो यह भी कुछ कारण होंगे ने, सारे लेमैन है इन्हों नहीं पता होंगे एक बार। सो इन्हों का कोई कसूर नहीं है, इन्हों का कोई कसूर नहीं है, मेरा खाली कहने का मतलब बस वाला मिसगाइड कर क्योंकि बुकिंग था थे खोल छी, इन्होंने तो चढ़ के आपका ट्रैवल करना जी, इन्होंने जो जाना है ये बस नहीं हो रही थे बुकिंग करेगी तो होर बस से बुकिंग कर लेंगे। सो जिहड़ियां बसेस स्टेज कैरेज सानू चल रही और टूरिस्ट सानू नहीं चलनिया चाहिए, इन्हों स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहिए, लेकिन स्टेज रात के समय ही तुम देख सकते हो कि बसा इतने पंजाब के दाखिल हो रही ने और इतने इस वे जो इस जगह के उत्ते असं मौजूद हाँ, एक जगह है जीरकपुर चंडीगढ़ हाईवे है तो यह पंजाब नंबर गड्डिया ने BB01A9975 गड्डिया का नंबर है तो कागजात जोड़े ने ड्राइवर भी चेक कराते नजर आ रहे हैं तो पिछले देख सकते हो गड्डिया ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਖੱਜਣਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਸਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੈਂਜਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੈਸੈਂਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬੱਸ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੱਸ ਹੈ ਔਲਰੇਡੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰਡ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਐਜ ਏ ਪੈਸੈਂਜਰ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ पेपर है टैक्सेशन हैगी है ड्राइवर का है पैसेंजर पास है सब कुछ ये गल्ला पूछियां जा रही हैं हर किसी नु जाके पुलिस तक भी दिखा जा रहे हैं आदा जरूरी सारा स्टाफ है ता एक चौथी बात पूरी चलो राम राम सबको देखो देखो गाड़ी है टोटल एको ही अमाउंट दे के बस बुक की थी या सबने टिकटा खरीदिया है बस ही पूरी खरीदी है चलो माफी चाहते हैं आपको हमने परेशान किया हम थोड़ा बसेस का टैक्स का जायजा ले रहे हैं इन्होंने टैक्स भरा है कि नहीं भरा तो टैक्स गवर्नमेंट को भरना है तो मैं मंत्री हूँ इसमें पंजाब सरकार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो मेरी बसें बहुत घाटे में जा रही थी और मैं जब से बना हूँ अभी थोड़े दिन हुए महीना बने को हुआ है तो अभी 1 करोड़ का मुनाफा हो गया है 1 दिन का तो इसलिए हम टैक्स चेक कर रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर बस वाले ने टैक्स नहीं भरा होगा तो उससे टैक्स बढ़वाएंगे और आपको 5-10 मिनट की आपको परेशानी हो सकती तो राम राम माफी चाहते हैं आपको परेशान का ये खास तौर पर जी बस भी हमने चेकिंग कर इसका भी ब्रिक साहब ये खास तौर पर बस ही देख लो कि रात को ही ट्रैवल ज़्यादा हो गया है ताकि बसां फड़िया ना जा सके ताकि यह लोगों की निगाह के आ सके ट्रांसपोर्ट विभाग की निगाह यदि सब पता तो होगा लोगों को जेल स्टेज रात को चलती है क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन देते जाते हैं पीछे आप सारी आते ड्राइवर को इंफॉर्मेशन दे देते हैं ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे उन्होंने दस दिता जाता कि अभी चेकिंग होती है फिर एक तीजे नाइट की सब टोटली माफिया फिर वो ऑनलाइन ज़्यादा साइडलाइन कर लेंगे बस कि जहाँ पे ऑनलाइन भी अच्छा फिर टैक्स जमा करा देंगे सो चेक कर रहे हैं लगातार तुम देखो कि होर बस सिखा गई लगातार चेकिंग जी है वो की जा रही है तुम देख सकते हो बसें टैक्स नहीं भरिया तो पैसेंजर भी रास्ते को चाहिए आ रही हैं वो दैट इज द टोटली वायलेशन ऑफ रूल
इन्हों का फोन है सलीम सुहाने थानी पटा दे बस आपने चार जगह से बंदे चढ़ाए आपने अम्बाला से बंदे चढ़ाए, आपने करनाल से बंदे चढ़ाए, आपने पानीपत से बंदे चढ़ाए, जिसने मीडिया के सामने कहा है अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं चढ़ाए तो आप बता दीजिए चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। तो आप टूरिस्ट पे परमिट कौन सा, टूरिस्ट परमिट आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह रास्ते में बंदे नहीं चढ़ा सकता, पता है ना, वायलेशन परमिट की वायलेशन, हमारा गलती तो नहीं है तो परमिट की वायलेशन। आप वहाँ से बंदे चढ़ाओ और टैक्स भरो और सीधे यहाँ देख रहो जहाँ भी जाना जाओ। अगर रास्ते में चार लोग तोड़ रहे हैं पांच लोग की उनकी सारी पूरी फैमिली हो रही है कि पाँच से चले पाँच में काफी तो नहीं होना चाहिए सर। क्या डॉक्यूमेंट्स जो अभी कागज ले सकते मौके के कागज भी नहीं हो सकते दैट्स वाई बी इंपॉर्टेंट। चलो इनके साथ इंडिया बस की चेकिंग होती रहेगी। अच्छा चार के करीब असं बस चैक कर चुके हैं जिनकी बस इसको पहले जी पाई है असी फड़ी है और बिना टैक्स तो पाई है उनका नंबर है एच आर 30852 टूरिस्ट बस है जी वो बिना टैक्स तो पाई है वो भी बंद। चलो साहब ऐ करो इन्हों डिले ना करो जिन्होंने इंपाउंड करने करो पैसेंजर कोई परेशान ना हो पुलिस वाले पहले बस स्टैंड छेड़ेंगे सर बंद फिर तोरो जी जी छी चलो पर वड्डा लॉ स्टेट को आप कह सकते हैं जरूर इन्हों बस ऑपरेटर के वालों लगाया जा रहा है सिविल केयर कर सकते कोशिश की जा रही है पर पहले दिन जो भाग संभालने तो बाद अमरिंदर सिंह राजा ने जोड़े ने वो एक्शन मोड के नज़र आ रहे हैं। एक्शन मोड के उन्होंने वालों चीज़ों के उत्ते जायजा लिता जा रहा है चेकिंग की जा रही है। चलो लास्ट बस चेक कर लो प्रिंस साहब मतलब बसा इंपाउंड हो गई ने और हूँ अगे की रणनीति रहेगी कि इस तरीके स्ट्रोंग क्लीयर कट मैसेज बाकी ऑपरेटर्स भी है मेरी तो यह बेनती है कि जिन्हें भी
वैसे तो रूल मुताबिक तो असं इतनी इनकाउंट बस करके पुलिस स्टेशन लगे जाएंगे पैसेंजर बेचारे रात में चले उन्होंने कोई परेशानी ना आए बस बस स्टैंड पर जा रहे बहुत सारे पंजाब के लोग कहते हैं जो लोगों के लोगों का भी साथ मिलता है तो अपने आप अपील कसी जाऊंगे लेके आई जाने होर बस देख सकते हो जिंक बस जी है वह इतने रोकी गई है इन बसों के उत्ते खास तौर के उत्ते चैकिंग की जा रही है अमरिंदर सिंह राजावड़ी ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब इस वेले अचनचेत चैकिंग के उत्ते निकले ने और चैकिंग जी है इन्होंने वालों की जा रही है इसी तरीके सेम उही जो अगिया बसा सी इन्हों का भी उही हाल है बिल्कुल 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 हूँ तक जिन्या बसा रोकिया गई ने कोई अजि बस नहीं है जिस व्यक्ति कह वाले होने कोमिट है किसी भी बस के कोई परमिट नहीं है और सीधे सीधे वायोलेशन जी है वह रिकॉर्ड रखा जाऊगा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी वीडियो देखते रहते हैं सर कुछ चेक करो आप बस हां ये दोनों में हाँ
अमरिंदर सिंह राजावड़ी जिन्होंने बसा रुकवाइया चेकिंग की और जो कसूरवार ने जिन्हों के कोल परमिट नहीं है जो सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट विभाग को संग लगा रहे हैं जिन्हों के बहुत चूना लगाया जा रहा है तो उन्होंने उत्ते सख्त कार्रवाई भी हुई है उन्हों बसा इनकाउंट भी कर दी गई ने और एक क्लीयर से लाउड मैसेज देने की कोशिश की गई है तो देखो तुम पानीपत से भी बंदे चढ़ाए पानीपत से बंदे चढ़ाए दो एक जगह से चढ़ा के दूसरी जगह उतारना सर तो आपके पास स्टेज कह रहे नहीं है कंटेक्ट कह रहे थे आपने एक जगह से सवारी लेनी है और दूसरी जगह उतारनी है तो आप रास्ते में भी सवारी उठा रहे हो हमारा पिकअप हो गया सर ऑनलाइन चंडीगढ़ पिकअप है वो गलत कर रहा है तेरा भी जो भी मालिक है आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको कौन सा कुछ कह रहे हैं सर आपके मालिक से पैसे देंगे सरकार का टैक्स देंगे और जो वो वायलेशन कर रहा है उसके पैसे देंगे और कुछ नहीं कहाँ से उठाया मटौर के थानेदार नूं भेज देना साधु थाना मटौर की भरा जी होर अपना सारा मोबाइल लगा जी साहब देखो ड्राइवर कितने बस रहा ड्राइवर देखो पैसेंजर बेचारे अपने करूँगा जाके बड़ा मैं ड्राइवर